जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी इस बार 23 और 24 अगस्त को दो दिन मनाई जाएगी। जन्माष्टमी का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस बार यह अष्टमी 23 और 24 तारीख दो दिन है। इसी अवसर पर अर्थ प्रकाश संवाददाता ने चंडीगढ़ के सेक्टर 36 स्थित भव्य इस्कॉन मंदिर पर खास कवरेज की है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि को हुआ था। भाद्रपद मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का संयोग होना शुभ माना गया है। रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि के साथ सूर्य और चंद्रमा ग्रह भी उच्च राशि में है। रोहिणी नक्षत्र अष्टमी के साथ सूर्य और चंद्रमा उच्च भाव में होगा। द्वापर काल के अद्भुत संयोग के इस बार कहना जन्म लेंगे। घर घर उत्सव होगा। लड्डू गोपाल की छठी तक धूम रहेगी। इस योग पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कृष्ण जी का जन्म हुआ था इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। उस दिन सबको बड़ी वो होती है कि हम कान्हा जी को झूला झुलाएं। जैसे एक बच्चे को हम जब होता है उसको प्यार दिया जाता है, वैसे ही सेम कान्हा जी को प्यार देते हैं सब। उनके लिए नई नई ड्रेसेस, झूला सब कुछ लेते हैं, उनका जल अभिषेक करते हैं सब कुछ। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? इस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था इसलिए जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो इसको लेकर कोई विधि है, जैसे कि शाम कृष्ण जी को झूला झुलाया जाता है या कुछ भी, क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है? तो बस सबने अपनी मतलब कृष्ण जी के जन्म के ऊपर खुशी होने के कारण अपने इसलिए अपने अंदर की खुशी दिखाने के लिए झूला झुलाया जाता है। हमारी टीम की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।